रिलैक्सो फुटवेयर्स। इंडिया के अंदर फुटवेयर कंपनीज की बात करें तो रिलैक्सो फुटवेयर्स एक ग्रोइंग कंपनी के हिसाब से जाना जाता है, और रिसेंटली कंपनी बाटा इंडिया को भी पीछे छोड़ते हुए यहाँ पे मार्केट कैप ज्यादा हासिल कर चुके हैं। इसीलिए कंपनी के जो पीई है वो 107 इसीलिए दिखाई दे रहा है कि कंपनी एक ग्रोइंग स्टॉक के हिसाब से उभर के आ रहा है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि रिलैक्सो फुटवेयर्स के ऊपर दिए गए एक चौंकाने वाले टारगेट के बारे में, और उसके पीछे क्या क्या रीजन दिया है कि ये टारगेट अचीव हो सकता है, तो वो भी जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जानेंगे कि रिलैक्सो फुटवेयर्स निवेश करने के लायक है या नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन में यहाँ पे देख पा रहे हैं कि रिलैक्सो फुटवेयर्स के ऊपर एक टारगेट दिया गया है 1050 का। तो ये डाउन साइड एक टारगेट दिया गया है आगे आने वाले एक साल के लिए, और टारगेट दिया गया है HDFC सिक्योरिटीज ब्रोकरेज फर्म के द्वारा। रिसेंट कंडीशन में रिलैक्सो फुटवेयर्स का जो शेयर प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 1250 के आसपास। तो वहां से 1050 अचीव हो सकता है आगे आने वाले एक साल के अंदर। तो ये अच्छा खासा गिरावट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो चलिए जान लेते हैं उसके पीछे का क्या क्या रीजन यहाँ पे दिया है। तो चलिए अभी जान लेते हैं कि क्या क्या रीजन यहाँ पे दिया गया है। तो मेनली यहाँ पे चार रीजन दिया गया है जिसके वजह से ये टारगेट अचीव हो सकता है। जैसे कि पहला रीजन आप देख पा रहे हैं यहाँ पे डिटेल्स में पढ़ेंगे तो रीजन के हिसाब से यहाँ पे दिया गया है कि जो रेवेन्यू है कंपनी का, जो टॉप साइड रेवेन्यू है, वो कंपनी लूज कर सकता है शॉर्ट टर्म एंड मिड टर्म के अंदर, ऐसा HDFC सिक्योरिटीज का कहना है। तो इसके चलते ये टारगेट यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे जो दूसरा रीजन दिया गया है HDFC सिक्योरिटीज के द्वारा, वो दिया गया है कि शॉपकीपर जो है, इंडिया जो रिटेल शॉपकीपर है, जो फुटवेयर शॉप है, दुकान में आप देखेंगे तो मल्टीपल ब्रांड होने का चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो आप दुकान के अंदर रिलैक्सो एंड बाटा जैसे कंपनी ही से रखेंगे तो यहाँ पे कंपटीशन नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ पे लो प्राइस में भी जो लो कैटेगरी का शूज है व आपका जो चप्पल होता है वो रखने से क्या होता है, शॉप के अंदर एक वैरायटी क्रिएट होता है और प्राइस में भी थोड़ा सा ऊपर नीचे रहता है। तो जो जो परचेज करने आता है उसको एक वैरायटी मिल जाता है चप्पल के अंदर एज वेल एज प्राइस के अंदर भी। तो ये पॉइंट को बताते हुए यहाँ पे बोला गया है कि HDFC सिक्योरिटीज के द्वारा इसका सेल का रेटिंग दिया गया है। उसी के साथ HDFC सिक्योरिटीज का ये भी कहना है कि द इकोसिस्टम बिकमिंग मोर कैजुअल द लेस ब्रांड कीप मे अफेक्ट द लूजिंग सेल। तो ये एक कारण बताते हुए भी कंपनी यहाँ पे सेल का रेटिंग दिया गया है। इसके बाद जो तीसरा रीजन HDFC सिक्योरिटीज के द्वारा दिया गया है वो रीजन आपको थोड़ा सा वैलिडेट लग सकता है, क्योंकि स्पेशली कोविड के बाद जो फुटवेयर बिजनेसमैन है, जो फुटवेयर सेल करते हैं, उसका बैलेंस शीट में थोड़ा सा गड़बड़ा गया है। तो उसको ठीक करने के लिए जो रिटेल यहाँ पे शॉपकीपर है वो थोड़ा सा अलग वैरायटी लाएगा। उससे क्या होगा, कंपनी का जो मार्जिन है वो थोड़ा सा इम्प्रूव हो सकता है। कैसे, जब आप ब्रांडेड कुछ आप सेल करते हैं वहाँ पे मार्जिन थोड़ा सा नेगेटिव दिखाई देता है, मतलब कम आपको प्रॉफिट वहाँ पे दिखाई देता है। लेकिन जब आप नॉन ब्रांडेड कुछ प्रोडक्ट सेल करते हैं वहाँ पे आपका मार्जिन थोड़ा सा इम्प्रूव होता है। तो ये कारण बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट कारण लग सकता है। तो तीसरा कारण में ये बताया गया है कि मार्जिन को इम्प्रूव करने के लिए शॉपकीपर वाले क्या करेगा, अलग अलग वैरायटी रखेगा तो वहाँ पे मार्जिन इम्प्रूव होगा। उससे क्या होगा, रिलैक्सो एंड बाटा जैसे कंपनीज को सेल के अंदर थोड़ा सा गिरावट यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं, ऐसा HDFC सिक्योरिटीज का मानना है, और इसके लिए यहाँ पे सेल का रेटिंग दिया गया है। अभी जान लेते हैं चौथा कारण। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। अभी जो चौथा कारण यहाँ पे दिया है HDFC सिक्योरिटीज ने वो है यहाँ पे जो प्राइस टारगेट पॉइंट है, क्योंकि इंडिया के अंदर मिडिल क्लास बहुत ज़्यादा है तो प्राइस एक ट्रिगर पॉइंट होता है मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए। तो आपने जरूर फॉलो किए होंगे कि इंडिया के अंदर जब नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट होता है वो प्राइस में हमेशा कम प्राइस रहता है, तो वो थोड़ा सा इफेक्ट कर सकता है बाटा इंडियन रिलैक्सो जैसे कंपनीज के लिए। ये जो पॉइंट दिया गया है ये HDFC सिक्योरिटीज के द्वारा मानना पॉइंट है यहाँ पे। लेकिन उसी के साथ साथ आपको और एक बात को ध्यान में रखना चाहिए कि स्पेशली आप कोविड के बाद देखेंगे तो इंडिया के जो मिडिल क्लास फैमिलीज का आपका चॉइसेस है वो थोड़ा सा मूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो थोड़ा सा ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ मूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे क्या होगा, जो नॉन ब्रांडेड पहले प्रेफर करते थे वो थोड़ा सा ब्रांडेड के ऊपर प्रेफर कर रहे हैं स्पेशली कोविड के बाद। तो ये आंकड़ा भी आप देख पाएंगे। तो एक एक करके मैं जो चार कारण यहाँ पे बताया हूँ, यहाँ पे चारों कारण यहाँ पे डिस्कस करने के बाद यहाँ पे सेल का रेटिंग दिया गया है। अगर आप रिलैक्सो फुटवेयर्स की बात करें तो इंडिया के अंदर 5% मार्केट शेयर स्लीपर्स के अंदर होल्ड करते हैं रिलैक्सो फुटवेयर्स, और ये परसेंटेज इतना कम होने के कारण ये है कि इंडिया के अंदर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो बहुत ज्यादा एक्टिव है फुटवेयर्स मार्केट के अंदर।
और आफ्टर कोविड स्पेशली आपने देखे होंगे कि अनऑर्गेनाइज जो सेक्टर है वो ज्यादातर ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ मूव हो रहे हैं, तो इसका फायदा रिलैक्सो फुटवेयर बहुत तेजी से ले रहे हैं, वो आप फाइनेंशियल इसका रिजल्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा, तो वहीं पे ले जाते हैं। तो अभी आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि रिलैक्सो फुटवेयर का फाइनेंशियली हालत कैसा है। तो मार्च 2010 में कंपनी जो सेल करता था वो था 550 करोड़ का, वो बढ़ के हो गया है करीब करीब 2500 करोड़ का विद इन 10 ईयर्स, तो यहाँ पे 5 गुना हो चुका है कंपनी का सेल विद इन 10 ईयर्स। उसी के साथ कंपनी का नेट प्रॉफिट में भी बहुत ही बढ़िया इजाफा यहाँ पे आपको दिखाई देगा। बात करें कब जब कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन की, तो मार्जिन में भी कंपनी यहाँ पे ग्रोथ कर चुका है, क्योंकि इंडिया के अंदर फुटवेयर मार्केट बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं और अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ज़्यादा ऑर्गेनाइज सेक्टर यहाँ पे मूवमेंट में ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। और जब बात करें कंपनी का कर्जे का, तो यहाँ पे कंपनी के ऊपर कर्जा करीब ना की बराबर है, कंपनी के अंदर रिजर्व कैश भी अच्छा खासा मौजूद है। तो रिलैक्सो फुटवेयर एक अच्छा कंपनी है, ग्रोइंग कंपनी है, लेकिन आपको वैल्यूएशन को ध्यान में रखते हुए आपको इसके अंदर निवेश करना चाहिए, क्योंकि वैल्यूएशन वाइज कंपनी थोड़ा सा महंगा अभी भी दिखाई दे रहा है। इसका पी करीब करीब 107 है, लेकिन ये चीप वैल्यूएशन में मिलना भी मुश्किल है, क्योंकि ये ग्रोइंग स्टॉक के हिसाब से जाना जाता है। तो आज वीडियो में इतना ही, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।